सरपंच जी, ये की मामला है अपना? अज जिहड़े फॉरेस्ट विभाग दे काफी इत्थे अफसर भी आए हुए सीगे, मुलाजम भी सीगे, दस्सिया जा रहा कोई बूटे वड्डे, पर इन्होंने मना कर दिता बूटे वड्डण नूं। हुण मौके दी पंजाब पुलिस ने भी मौका देखिया, क्या गलबात होई सारी? देखो, मैं सरपंच नंगल निकू पिंड जी, हाँ जी साड़ी जिहड़ी सारी है प्रॉपर्टी है नंगल निकू दी है, हाँ जी तां असीं कानूनी दायरे च रह के हाँ हाँ सारी असीं ये डीमार्केशन करा रहे हैं। ठीक है कटोड़े इत्थे डेढ़ कटोड़े 300 हाँ 300 परिवार जिहड़े पिंड दे है, हाँ हाँ उन्हें दी किसी दी कनाल है, किसी हाँ हाँ दी किला है, किसी दी दो कनाल है, मतलब बंदा हिस्सेदारी हाँ इदा हाँ ही है, हिस्सेदारी दे क्योंकि दी साड़ी जिहड़ी नंगल निकू दी जम दी नहीं हुई, हाँ हाँ मतलब जिन्हों आपां कहिंदे बंड एक सही वो नहीं हुई, तकसीम वगैरह हाँ जी हाँ जी वो नहीं हुई, मतलब साढ़े रकबे अलग अलग टुट में हैं, कट्ठे नहीं हो सके। उस फिर हिमाचल सरकार वाले आए थे, कुछ साढ़े पिंड दे दलजीत सिंह है, उन्हें कुछ बूटे बढ़ाए थे, 490 नंबर वगैरह दस दे, या 501 है, या 500 कुछ, काफ़ी हाँ नंबर है, हाँ तो कोई बहुत नंबर है जी हाँ जी उन्हें मिनती कराई है ड्रोन नाल वगैरह जो भी है। तो फिर हिमाचल सरकार के जोड़े अफसर आए थे, वो कागजी कुछ नहीं पेश कर रहे, कुछ नहीं ठीक पेश है, कर रहे जी हाँ, और खाली जबानी रोक रहे हाँ जी हाँ वो। साड़ी यही मांग है, अगर उन्होंने बीबीएमबी ने जा पंजाब सरकार ने कोई भी जगह उन्होंने पट्टे दे दी है, लीज पर दी है, कोई तो डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए ना, बिल्कुल किन्ने बिल्कुल चिर वास्ते दी है, हाँ हाँ किन दी है, किन दी असं इन्हें तो उही मांग सू पेश कर देना, इन्हों की अजे लैन सानू कतराज थोड़ी है। फिर पंजाब पुलिस वाले कहते चलो कुछ दिन टाइम दिता ना, 2-4 दिन का, देखते हैं क्या कागज लैके आते। इन्हें आरओ साहब भी आए थे, उन्होंने भी गल हुई। बाकी जमीन साड़ी पुश्तैनी है जी, है पिछे तो साडे नाल ही चली है साडे बजुर्ग। सर एक मामला बूटे वड्डन का, हिमाचल वाले कहते साडी जगह च है, तुसीं कहिंदे साडी जगह च, मामला है की है ये दसो। देखो, मामला ये है कि इतों सारा रिकॉर्ड खुरद बुरद हो चुका है। ओके हाँ जी, वो फिर मैं ना हाई कोर्ट, मेरा नाम दलजीत सिंह है, हाई कोर्ट में केस पाया होया, रिट पाई भी है, वह 76% लट्ठा तैयार हो चुके हैं। उस दे हिसाब नाल असी ना डीसी एफीडेविट दिता, डीसी साहब ने साडा हाई कोर्ट जाके, साड़ी निशानदेही हुई उन्होंने सरपरस्ती नाल हो रही है, तो ये जेडे नंबर है साढ़े 21 नंबर 90 चार सौ 90 तो लैके 511 तक, 21 नंबर 490 जड़ा ये ट्रीटमेंट प्लांट लग्या होया, ये पर मैं केस पाया नगर कौंसल के उपर, पंचायत के उपर, इन्होंने रजिस्ट्री गलत कर तरीके कर दी थी, और वो साड़ी जमीन है, तो वह फिर 9-10 बंदे जमानत पर है हाई सैशन कोर्ट से, तो ये जमीन साड़ी है, तो पंजाब सरकार ने मतलब ये पर पंजाब सरकार लिखा हुआ है, वह भी फर्ज गलत है, वो फिर असी चैलेंज की, फिर तहसीलदार साहब ने कहा भी हाँ थोड़ी निशानदेही कर देनी, थोड़ी वो जमीन है। पिंड केड़ा सर अपना जी? पिंड है जी नंगल निकू, लेकिन हालवासी सिंहपुर। उन्होंने ये कहना है कि जिन्नी देर डिस्प्यूट है मामला चल रहा है उन्नी देर तुसी ना नहीं, वो ठीक है, मैं थोड़ी गल मानदा, पर वो तुसी वो कायदा कानून के मुताबिक चलो ना, तुसी भी ते तुसी कोर्ट चाहो, कोर्ट च जाके स्टे ले लो, असी बंद हो जाओ। सर एक उन्होंने ये भी कहना है कि असं जो कमेटी को 6 महीनों का जो भी टैक्स भी देंगे उत्थे दी जमीन का पता नहीं कितने सैकड़े किले दस रहे जो हिमाचल के हाँ, साटे है वो तुसी गलत दिने, वो तुसी ले सकते हो मुआवजा उन्होंने को, ठीक है, असी मालिक हैं, साढ़े को तो उन्हें कोई कुछ भी लिया नहीं, परमिशन नहीं ले सकते। तुहाडे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई सी उन्हें, पुलिस का की कहना थोड़ा? पुलिस का यह कहना भी असी 2-3 दिन रोक छड़ी है, असी हुण बगैर स्टे तो नहीं रोक सकते। किन्नी जमीन है तुहाडे, किन्ने परिवारों की जमीन है? साढ़े साढ़े एक परिवार की जमीन है, साढ़े पति की तरफ सरदारा की, 210 किले की मालिक है। ठीक है, ओके ओके। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੋਰੈਸਟ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਦਰਖਾਸਤ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੇੜ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ।